Everyone, I hope you people are fine. I, Tanya, welcome you all in my EVS class. Kids, as if we were doing the chapter, every drop counts. So let's continue that. In the previous video, I had discussed with you the ways how we get water. Let's start our today's topic. Discuss: Everyone has the right to live. Yet, is everybody getting enough water to live or even water to drink? आप लोगों को शायद you people might not be knowing कि बहुत से ऐसे लोग हैं in many areas जिन्हें water नहीं मिलता है proper to drink why is it that some people have to buy drinking water ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ता है? should it be like this ऐसा होना चाहिए no not according to me at least water on this earth is for one and all इस अर्थ पे water सबके लिए है सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्राम द ग्राउंड बाई डीप बोरवेल कुछ लोग वॉटर को दे ड्रॉ आउट बाई डीप बोरवेल्स बोरवेल से निकालते हैं हाओ फार इज इट करेक्ट इज इट करेक्ट करेक्ट नहीं है बिकॉज वाटर इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग हैव यू एवर सीन दिस वाई डू सम पीपल पुट अ पम्प डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन कुछ लोग जल बोर्ड जो है जहाँ से वाटर सप्लाई किया जाता है उसमें एक पंप लगा देते हैं डायरेक्टली वट प्रॉब्लम्स वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस बच्चे अयर वन पिक्चर ऑफ अ बिल इज शोन टू यू दिस इज वॉटर बिल दिस बिल इट विल बी मच क्लियर टू यू बाई योर बुक नाउ हेयर आर सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस फर्स्ट इज़ फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम किड्स आई एम जस्ट डिस्कसिंग द आंसर्स विद यू दिज आर नॉट मेंट टू बी रिटर्न इन योर नोटबुक ठीक है ये सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं आपने नोटबुक में नहीं करने हैं दिस बिल हैज़ कम फ्रॉम डेली जल बोर्ड ये बिल कहाँ से आया है डेली जल बोर्ड से द नेक्स्ट इज डू यू गेट अ वॉटर बिल एट होम फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज सेंट देन वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार गवर्नमेंट ऑफ डेली इज रिटन अंडर डेली जल बोर्ड इन हूज नेम इज़ द बिल किसके नेम पर है बिल हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ द नेक्स्ट इज डू यू हैव अ पे फॉर वाटर हाउ मच इज़ द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज आस्क योर एल्डर्स तो हेयर आर द आंसर्स येस वी गेट अ वाटर बिल एट होम सबके घर पर आता है वाटर बिल आपके घर पर भी आता है सो जस्ट चेक इट टूडे आस्क फ्रॉम योर पेरेंट्स वो वाटर बिल को देखो जस्ट ऑब्जर्व इट ठीक है द नेक्स्ट इज यस yes, दिल्ली सरकार इज़ रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड बिकॉज दिल्ली जल बोर्ड इज़ अ सबसिड्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर है दिल्ली जल बोर्ड इसीलिए वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली लिखा है द बिल बियर्स द नेम ऑफ श्री मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर मोहम्मद शोय इन टू पर्सनस के नेम है उस बिल पर फिर क्वेश्चन था कि क्या आपको पे करना पड़ता है येस वी हैव टू पे फॉर वाटर अबाउट रुपीज थ्री हंड्रेड पर मंथ हो सकता है इट माइट बी दैट यू हैव टू पे अ डिफरेंट अमाउंट फॉर योर वाटर, राइट सो जस्ट आस्क योर पेरेंट्स दीज क्वेश्चन नेक्स्ट इज इट कैन बी डन देर आर सम ग्रुप दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज कुछ बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो हेल्प करते हैं लोगों तक पानी पहुंचाने में दे आज द एल्डर्स अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स वो लोगों से जो पहले के लोग हैं एल्डर्स हैं बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछते हैं कि उनके टाइम में वाटर के क्या अरेंजमेंट्स थे दे रीबिल्ड द ओल्ड लेक्स एंड जोहार्ड्स एंड ऑल्सो बिल्ड न्यू वन तो वो ये सब दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल तरुण भरत संघ हेल्प दर मई So, this picture I am showing this is Zarki Mai. She lives in a village in the Alwar district of Rajasthan. The women of the village used to spend the entire day looking after their home and animals. So, their home, gharpar, animals ke saath, she used to spend all the time. Sometimes it took them all night to pull water from the well for the animals. In the summer, when the wells dried up, they had to leave the village. दर्की माई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्ट फॉर हेल्प तो जब उन्होंने इस ग्रुप के बारे में सुना शी आस्ट देम फॉर हेल्प टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक तो इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि दे, कि दे विल मेक अ लेक द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स इज़ नाउ लेस अब वहाँ पर ये प्रॉब्लम कम है पीपल गेट मोर मिल्क दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर अब लोग लोगों ने ज़्यादा अर्न करना स्टार्ट कर दिया Now what we have learned. Kills it's your wish. It is not mandatory for you people. But I would like you to make this poster. Water on earth is for one and all. Think of some other such slogans. Draw pictures and make a nice poster. If you people are interested. And if you people are able to make. Do draw a poster. It's not mandatory. But still I will say. Aapko banana. make a poster. Banao and send it to me then here are some questions this is book work only which you need to do in book only bring a water bill look at it and tell these are some questions two three questions of water bill now recent Fir, just answer these two three questions this you have to do in your book only kids earlier you had done three questions in your notebook now some more are there which you have to write in your notebook so i'm discussing one by one Fourth question is why, according to you, the old wells have dried up? The answer is the wells could have dried up because water is being pumped up from the ground. These points we have already discussed. Next, I have framed some more questions for you people. Next is what is rainwater harvesting? Rainwater harvesting is a method of collection and storage of rainwater into natural reservoirs or tanks. What is a Bowley? A Bowley is a step well with, with thousands of steps. Used to store water. Seventh is what are the sources of underground water? Wells, tube wells, hand pumps, etc. These are the sources of underground water. Then eight answer write five ways to conserve water. This you have to write yourself. Times people are discussing ki what are the ways to conserve water, and you people are very well aware of it. So you have to write this answer by yourself. So with this, we are done with our chapter. Goodbye everyone. Do your work well on time. Goodbye.